गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए सेशन में। और पिछला जो सेशन है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा अफेक्शन और बहुत ज़्यादा स्नेह लगाव के साथ उस सेशन को देखा और बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे क्वेरीज आपके द्वारा पूछे गए थे। तो एक एक क्वेरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही सेशन में बिल्कुल हम WPM क्या होता है, इट मींस टाइपिंग से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम बहुत डेडिकेटली डिस्कस करने वाले हैं। WPM क्या है, हाफ एरर क्या होता है, फुल एरर क्या होता है, टाइपिंग कैलकुलेट कैसे होती है, स्पीड कैलकुलेट कैसे होती है, इन सभी बिंदुओं को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो बिंदु आता है वो आता है कि सर, जो हमारा टाइपिंग है उसमें जो मार्किंग हुई है उसमें ग्रेस मार्क्स किसे मिला है या कितने मार्क्स मिले हैं। तो देखिए किस तरह से ये पूरे कैलकुलेशन होता है। 7 क्वेश्चन जो है वो आपके डिलीट हुए हैं। अब ये जो 7 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं, इनको पहले आप 143 जो क्वेश्चंस है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो कैसे कैसे कैलकुलेशन बन रहा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो ये मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपके साथ कंसल्ट करना चाहूँगा, है ना, कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट हुई है। और उससे ये कैलकुलेटर, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझिएगा कि जो 7 क्वेश्चन है तो 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 143, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो आ जाती है 0.04895, ये एवरेज आ जाता है। अब इससे क्या होगा, पहली बात तो एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो गई, जो ग्रेस मार्क्स आपको मिल रहे हैं, किसी को लगता है कि भाई मुझे कितने मार्क्स मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन के अलावा मुझे ऐड करने हैं, पहली बात तो आप ये चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अभी जो फाइनल आंसर किया है उससे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। दूसरी चीज, जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जस्ट लाइक एक बार मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 95, ठीक है, तो आप क्या करिए, ये जो 7 डिवाइड बाई 143 जो है, ये जो नंबर आया इसे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, जो आपके मार्क्स है उससे। जैसे 95 हो रहे, तो ये 95 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, देन ओके किया, तो ये 4.65 आ गया। तो ये 4.65 कब आया, जब 95 क्वेश्चन किसी के अगर सही हो रहे हैं तो उसके 95 तो हो ही गए, प्लस उसको कितने जो मार्क्स है वो ऐड कर देने हैं, 4.65 उसको ऐड कर देना है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन के लेवल पर अगर जज करेंगे तो उसके कितने क्वेश्चन हो गए, तो नियर उसके हो गए 99.65 क्वेश्चन लेवल पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा कैलकुलेशन का तरीका। सबसे पहले क्या करना है, 7 बट्टे 143, ठीक है, और जो यहां नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो यहां पर आपके नंबर होगा उस नंबर को क्या करना है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, टोटल राइट क्वेश्चन से। टोटल राइट क्वेश्चन से आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि भैया टोटल राइट क्वेश्चन कितने हैं। जब टोटल राइट क्वेश्चन से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा वो वाला जो नंबर होगा उसको आपको राइट क्वेश्चन के साथ क्या कर देना है, राइट क्वेश्चन प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको जोड़ दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि अभी वर्तमान जो सिनेरियो है, इस स्थिति में आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया कि ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं, किस तरह से ये कैलकुलेशन चल रही है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा बिंदु जो है उसको देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है सर हमारा जो टाइपिंग है उसमें क्या क्या मांगा गया है, किस तरह से मांगा गया है, फुल एरर क्या होती है, हाफ एरर क्या होती है, इन सभी बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, सर हमें रिक्वायर्ड स्पीड क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड, क्या बोल रहा हूं मैं, मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड क्या है। सबसे पहला बिंदु आता है मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड क्या है, आपको कम से कम कितना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो दोनों लैंग्वेज में होना है, जो टाइप है वो इंग्लिश में भी होना है और जो टाइप है वो आपका हिंदी में भी होना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप होना है। अच्छा, क्या स्पीड चाहिए, तो इंग्लिश में आपको चाहिए 20 WPM, और हिंदी में भी क्या चाहिए, हिंदी में भी चाहिए 20 WPM।
दोनों में आपको 20-20 का स्पीड चाहिए, दोनों में 20-20 WPM का क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए। अब इसके बाद में काम के बाद क्या है, सर ये WPM क्या होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है WPM क्या है। WPM का मतलब है वर्ड पर मिनट, ठीक है, इसका मतलब क्या है वर्ड पर मिनट। और वर्ड पर मिनट का अर्थ क्या होता है, जब आप बोलते हैं ना एक वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है, वर्ड बराबर होता है 5 की स्ट्रोक, क्या होता है 5 की स्ट्रोक्स। और की स्ट्रोक्स क्या होता है, की स्ट्रोक्स का मतलब है जैसे आपने कोई की प्रेस किया, जस्ट लाइक आपने एक बार ए प्रेस किया तो 1 की स्ट्रोक काउंट हो गया, है ना, फिर आपने बी प्रेस किया तो 2 की स्ट्रोक हो गई, फिर आपने सी प्रेस किया, इस तरह से जितनी बार आप आपका जो फिंगर है जब उस कीबोर्ड से क्लिक कर रहा है, किसी बटन को प्रेस कर रहा है, तो वो 1 की स्ट्रोक काउंट हो रहा है। तो अगर 5 की स्ट्रोक की बात करेंगे तो 5 की स्ट्रोक बराबर क्या होगा, 1 वर्ड होगा, तो 1 वर्ड बराबर, 1 वर्ड बराबर होगा 5 की स्ट्रोक। अब देखिए एक छोटी सी बात, पहली बात तो ये समझ ली वर्ड पर मिनट क्या है। अब अगर कोई ये कहता है कि 20 WPM इसका मतलब कितनी बार की प्रेस करना होगा, तो हम कहेंगे कि 20 × 5, ठीक है, 20 × 5 तो 20 × 5 = 100 की डिप्रेशन जो है, की स्ट्रोक्स जो है, ये आपको 1 मिनट में टाइप करने हैं, ठीक है, और आपका जो टाइपिंग है वो चलेगा 15 मिनट के लिए हिंदी में और 15 मिनट के लिए इंग्लिश में, 15 मिनट हिंदी एंड 15 मिनट इंग्लिश, दोनों में 15-15 मिनट चलेगा। तो इसका मतलब मुझे की स्ट्रोक्स टोटल कितने करने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 15, इसका मतलब 1500 की डिप्रेशन या की स्ट्रोक्स जो है वो मुझे टाइप करने हैं। पहली बात तो ये आ गई कि भाई कैसे चीजें कैलकुलेट होती है, वर्ड कितने लेटर्स का माना जाएगा, तो वर्ड से मतलब नहीं है, आपने टोटल जो की प्रेस किए हैं, कितनी बार आपने कीबोर्ड में किसी की को प्रेस किया है, वो आपके टोटल की स्ट्रोक है। क्या सर हम जितने की प्रेस करेंगे वो सारे के सारे सही प्रेस करेंगे, ऐसा हो सकता है आप सही प्रेस करें, ऐसा भी हो सकता है आप गलत प्रेस करें। अगर सर गलत प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस कैसे होगा, तो यहां पर एक समझने वाली बात क्या है, अगर आप गलत प्रेस करते हैं तो इसके 2 कैटेगरी बनते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं हाफ एरर, एक होता है जिसे हम कहते हैं हाफ एरर, और एक होता है जिसे हम कहते हैं फुल एरर, एक होता है जिसे हम कहते हैं फुल एरर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हाफ एरर क्या है, अगर मैं हाफ एरर की बात करूं तो हाफ एरर का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्पेलिंग है, जैसे मैंने ये लिखा कैपिटल ए और उसके बाद small p, small p, l, e, ये मैंने एक स्पेलिंग लिखा, और जब मैं इसको टाइप कर रहा हूं तब मैंने कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख दिया और बाकी पूरी स्पेलिंग क्या लिख दी, बिल्कुल सही लिख दी। इसका मतलब सिर्फ चेंज कहां पर हुआ, ये जो कैपिटल ए था उसकी जगह मैंने स्मॉल ए कर दिया, इसका मतलब पूरी स्पेलिंग में 1 लेटर चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी सारे के सारे लेटर की जो सिक्वेंस है, ऑर्डर है, उनका कैप्स लॉक या मैं कहूं उनका कैपिटल लेटर होना, स्मॉल लेटर होना, सब कुछ क्या है, सेम है। तो अगर मान लीजिए किसी 1 लेटर की फ्रीक्वेंसी बदलती है, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो ये किस में काउंट होगा, ये हाफ एरर में काउंट होगा। अब मान लीजिए आपने ऐसा किया कि ए पी पी एल ई लिखना था, आपने यहां ए लिखा, यहां पी की जगह बी लिख दिया, यहां फिर से पी एल ई लिख दिया, ये क्या है सर, ये भी हाफ एरर है, क्योंकि आपने इस पूरे के पूरे वर्ड में किसी एक सिंगल लेटर में अगर वेरिएशन क्रिएट किया है तो ये भी किस में काउंट होगा, हाफ एरर में काउंट होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी हाफ एरर है। अब आते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, इसका मतलब एक तो कैपिटल स्मॉल वाला जो है वो भी हाफ एरर काउंट होगा, और अगर किसी एक सिंगल लेटर को आप बदलते हैं, बाकी स्पेलिंग की सिक्वेंस, मैं फिर कह रहा हूं सिक्वेंस, अगर पूरी सिक्वेंस आप क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, तो उस कंडीशन में हाफ एरर काउंट होगा। इधर आते हैं फुल एरर क्या होता है, सर वो जो मैंने आपको बात बताई कि आपको लिखना था एप्पल, ठीक है, अब आपने पहले तो स्मॉल ए लिख दिया और इस P को क्या लिख दिया, B लिख दिया, फिर आप लिख रहे हो P L ही, इस कंडीशन में एरर कितनी हो गई है, 2 एरर हो गई है, और जो 2 एरर हो गई है तो इसको हम क्या बोल देंगे, फुल एरर बोल देंगे।
ठीक है, ये एरर काउंट किस बेसिस पे होगी? सर ये वर्ड टू वर्ड काउंट होती है, जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, जैसे वर्ड जो है वो 2 लेटर का हो सकता है, वर्ड 10 लेटर का हो सकता है, 4 लेटर का हो सकता है। अब उस वर्ड में मान लीजिए 2 लेटर का ही वर्ड है, एक एग्जांपल मानिए 2 लेटर का ही वर्ड है, तो उस कंडीशन में अगर आपने 1 लेटर गलत टाइप किया तो हाफ एरर, और अगर आपने दोनों ही लेटर गलत कर दिए तो वो फुल एरर हो जाएगी। इसके बाद दूसरी काम की बात क्या है सर, अगर हाफ एरर होगा तो इससे क्या लॉस हुआ? अगर हाफ एरर होता है तो 2.5 की स्ट्रोक जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे, किसमें से? जो आपने सही की स्ट्रोक, टोटल की स्ट्रोक टाइप किए हैं उसमें से इनको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप फुल एरर की बात करते हैं तो फुल एरर का मतलब हुआ 5 की स्ट्रोक जो है वो आपके क्या कर दिए जाएंगे? माइनस कर दिए जाएंगे। इसका मतलब फुल एरर का मतलब एक पूरा वर्ड का एरर होना है, और हाफ एरर का मतलब है कि आधे शब्द का एरर होना, क्योंकि एक वर्ड का मतलब क्या है? 5 की स्ट्रोक्स है। अब मान लीजिए कि कोई भी बंदा है वो 1 मिनट के लिए टाइप करता है, कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए टाइप कर रहा है, और उसने इस 1 मिनट में मान लीजिए एक बार के लिए एग्जाम्पल लेवल पर उसने 100 बार की प्रेस की है, इसका मतलब 100 की स्ट्रोक्स हो गए। अब आपको यह देखना है कि उसने कितनी बार हाफ एरर किया और कितनी बार फुल एरर किया है। आप कहेंगे कि सर उसने 2 बार हाफ एरर किया है, 2 बार फुल एरर किया है, इसका मतलब पहले 2 बार हाफ एरर का मतलब कितना माइनस करना है? 2 हाफ एरर का मतलब 2.5 + 2.5 यानी कि 5 की स्ट्रोक, तो ये माइनस कर दीजिए। फिर आपने कहा कि सर उसने 2 फुल एरर किए, तो 5 + 5 यानी कि 10 की स्ट्रोक, यानी कि 10 + 5 कितना हो गए? 15। दोनों को हाफ एरर और फुल एरर को जोड़ के आपके जो टोटल की स्ट्रोक है उनमें से माइनस करने पर कितना मिला? 85। ठीक है, ये 85 स्पीड नहीं है, ये 85 तो की स्ट्रोक है। स्पीड कैसे आएगी सर? इसका 85 जो है इसमें 5 का भाग लगाइए आप। ठीक है, जब आप इसमें 5 का भाग लगाते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले ये आ गया आपका 1 1 × 3 और ये 17, ये आपकी स्पीड आ गई 17 WPM। ये आपकी क्या आ गई है? स्पीड आ गई 17 WPM, आपकी क्या है? स्पीड है। इस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। सर अगर यहां 15 मिनट होता तो कोई दिक्कत नहीं, 1500 की स्ट्रोक, फिर उसमें आपने हाफ एरर कितनी की है, फिर आपने उसमें फुल एरर कितनी की है, ये सारी चीजें क्या हो जाती? लेस हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहली बार WPM निकालते कैसे हैं वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, WPM कैलकुलेट कैसे होता है। और अगर आप मेरी बताई गई कट ऑफ से, अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें हमने फाइनल का कट ऑफ डिस्कस किया है, अगर आप उस कट ऑफ में अपने आप को फुलफिल करते हैं तो आप हमें टाइपिंग के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में लिख के दे सकता हूं कि 20 to 25 डेज में आपके दोनों लैंग्वेजेस में, अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हैं तो दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपके 20+ इन 20 to 25 डेज, मैं कह रहा हूं आपको 20 से 25 दिन में, केवल 20 से 25 दिन में दोनों में 20+ स्पीड जो है वो आप मुझसे रिटर्न में लिख कर ले सकते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा पहला कारण है फुल डे आपका लैब में होना। ठीक है, फुल डे आपका लैब में होना सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी जो कारण है वो है एक्सपीरियंस, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका टाइप करना। आपके हाफ डे तक तो मैं खुद अवेलेबल रहता हूं लैब में, ठीक है, एक एक चीज में खुद बताता हूं कैसे कैलकुलेट होगा, बच्चे को किस तरीके से करना है, कहां वो मिस्टेक करेगा, कौन से फिंगर उसको यूज करने हैं, कैसे टाइपिंग को इजी बनाना है, जल्दी कैसे करना, मैं खुद ड्रिल लगवाता हूं। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है सर मैंने ट्राई कर लिया बट हो नहीं रहा है, या फिर ऐसा कोई बच्चा जिसके स्कोर बहुत अच्छा है बट उसको लगता है अभी तो मैंने टाइपिंग शुरू भी नहीं की, तो ऐसे सारे बच्चों का वेलकम है। और अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट भी रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, या मुझसे बात कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर। और अभी पिछले एक दिन में बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल आए हैं, और मुझे विश्वास है कि मैंने हर कॉल का
प्रॉपर एक रिप्लाई दिया है, जिनके जो भी डाउट थे ठीक है उन सभी के डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट होता है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 7742748581। तो आप अपना डाउट जो है वो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपके टाइपिंग से जुड़ा हुआ डाउट है या और भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ या किसी तरह का और आपके क्वेश्चन माइंड में चल रहा है तो वो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे विश्वास है इस वीडियो के बाद में आपको WPM हाफ एरर फुल एरर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो RPS RMSS भी है उसने 2018 का जो टाइपिंग टेस्ट करवाया था उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे और जो हमें इस बार भी ध्यान रखने हैं। और जब मैंने टेस्ट दिया था 2018 में और मैं 2013 का भी दे चुका हूं, 2018 का भी दे चुका हूं, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है जिससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी और हमें कितना न्यूनतम टाइपिंग स्पीड तो लेकर ही जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 30+ मिनिमम दोनों में आप जब टाइपिंग स्पीड लेके जाएंगे तो आपको कोई बाहर नहीं करने वाला। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 20 स्पीड कर लूं, 20 लेके जाऊं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहां हेजिटेशन की वजह से, वहां के माहौल की वजह से 4-5-7 स्पीड बहुत बार माइनस हो जाता है। तो अगर आप 30+ लेके जाएंगे तो आप निश्चिंत होकर बैठेंगे, आपको पता है 30+ मेरी स्पीड है, मुझे सिर्फ 20 चाहिए, कहीं किसी तरह की दिक्कत आपके नहीं आने वाली। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 40 डेज अगर आप कंसिस्टेंट फुल डे टाइपिंग अगर आप करते हैं दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में, आराम से आप 30+ जा सकते हैं। लेकिन फुल डे देना होगा, हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, हमारा जो सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना होगा, हम जितनी ड्रिल लगवा रहे हैं, जितनी एक्सरसाइज लगवा रहे हैं वो आपको परफॉर्म करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपके साथ मिलूंगा कि हमारे एग्जाम में कौन सा जो मॉडल, कौन सा टाइपिंग का पैराग्राफ आया था, कैसे उसको परफॉर्म करना था, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी थी, इन सब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मुझसे ऑफलाइन मेरे टाइपिंग बैच को अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप सारी डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।